मैनपुरी के ग्राम हिटौली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांगों के लिए कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा नेता सौरभ चौहान ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें विद्यालय प्रबंधक रविंद्र प्रताप सिंह, शेर सिंह चौहान, भारत सिंह, विश्वेंद्र प्रताप, सानू चौहान सहित तमाम दिव्यांग छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आज ग्राम गिटौली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय में दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका मकसद दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई उड़ान भरना है। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग एवं तमाम दिव्यांग छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यालय के प्रवक्ता शेर सिंह चौहान ने दिव्यांग छात्र छात्राओं की आज की बढ़ती तकनीक के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में समझाया। साथ ही साथ यह भी बताया कि इस तरह की योजना के माध्यम से वो कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। मैनपुरी से शिवान्या ठाकुर की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान महाविद्यालय प्रबंधन समिति को, जो कि आप लोगों ने ये भारत कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों को चयनित किया है। ये सारे दिव्यांग छात्र जो हैं अपनी अपनी मार्केटिंग के उसमें अपना अनुभव जवाब दिखाएंगे सभी लोग रहने के साथ, और आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भारत के प्रधानमंत्री जी की तारीफ करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया है कि आप अब स्वावलंबी हो सकें। इसी के साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग मेरे छोटे और बड़े भाई हैं, यहाँ पर आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया।